अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां है शेफ फैसल, तांजी सोफिया कुकिंग शो में सब खैरियत से हूँ। मज़ेदार रेसिपीज तांजे ला खणी ईंदा आहियूं। फरमाइशों काफ़ी सारियों तांजी पूरियो कयूं पिया। सीज़न हाणे चेंज थियो आहे, गर्मियूं ॾाढियूं अचनि पियूं, तेज़ किस्म जी लू, गरम हवाऊं। हुन हिसाब सां भाॼियुनि जो इस्तेमालु वधीक कयो, दालूं, थधा खाधा खाओ, गोश्त, मच्छी, इहे शयूं फ़िलहालु हाली अवॉइड कयो। त अॼु बि मज़ेदार रेसिपी तव्हांखे ठाहिण सिखां पियो, लौकी जी दाल, लौकी ऐं दाल, मुङनि जी दाल ऐं लौकी। लेकिन हुनखे डिफरेंट तरीक़े सां ठाहींदासीं, छाकाणि त काफ़ी माण्हू लौकी न खाईंदा आहिनि, कद्दू न खाईंदा आहिनि, काफ़ी ॿार न खाईंदा आहिनि, त हिनखे मां थोरो चेंज करे ठाहियां पियो। दाल सां गॾु मज़ेदार रेसिपी हूंदी ऐं हिनखे जॾहिं खाईंदो तव्हांखे पाण चेंज लॻंदो, तमामु बहितरीन रेसिपी आहे। ऐं अफ़गानी चिकन कढ़ाई ठाहियूं पिया, हिन जी फरमाइश हुई चिकन कढ़ाई जी, अफ़गानी कढ़ाई। त इहो ठाहिण सिखणु पियो चिकन में, तव्हां बीफ में ठाही सघो था, दुंबे जे गोश में ठाही सघो था, मटन में ठाही सघो था। त ॿई रेसिपी सुभाणे 12 वॻे रिपीट हलंदियूं, स्क्रीन ते नंबर हले पियो। का बि फरमाइश करणी हुजे, कुझु बि पुछणो हुजे, कॉल करे पुछी सघो था। एनएक्स असां सां गॾु आहे, एनएक्स में जूसर, ब्लैंडर, चॉपर, हैंड बीटर, हैंड मिक्सर, माइक्रोवेव ओवन वग़ैरह सभु तव्हांजे साम्हूं इस्तेमालु कंदा आहियूं। त इहे तव्हां वठो, हिन खां तव्हां ईज़ीली कुकिंग करे सघो था। मशीनूं हूंदियूं आहिनि त फौरन कटिंग वग़ैरह हर शइ मिक्सचर ठही था वञनि, ठीकु आहे। मसाला पीसण में बि आसानी थी वञे, कीमे जी मशीन आहे, बकराई त चए पई, कबाब ठाहींदा आहियो, शामी कबाब जे लाइ मसालो पीसणो हूंदो आहे, त हिन तरीक़े सां तव्हां करे सघो था। इहे सभु शयूं वठी सघो था। मज़ेदार ही रेसिपीज़ ॾिसजो, नोट कजो, इनशाला पूरो वीक, नेक्स्ट वीक हिन तरीक़े सां वेजिटेबल्स जी वधीक रेसिपीज़ ठाहींदासीं, दालुनि जूं, ऐं हुनजे अलावा तव्हांजी फरमाइशूं बि पूरी कंदासीं। अॼु की जो हम रेसिपी बना रहे, वेदर चेंज होता जा रहा है, गर्मियाँ आती जा रही हैं, तो सब्ज़ियाँ भी नए नई मौसम के हिसाब से आती जा रही हैं। जैसे 2 दिन से हम पूरा थर्सडे देन फ्राइडे वेजिटेबल्स बनाई, तो आज भी वेजिटेबल की एक मज़ेदार रेसिपी बना रहे हैं, कद्दू यानी लौकी, लौकी और मूंग की दाल। डिफरेंट तरीके से कश करके उसको बनाएंगे। लौकी के पीसेज होते हैं, लोग नहीं खाते, बहुत से लोग अवॉइड करते हैं। लौकी बहुत फ़ायदेमंद है और सुन्नत भी है खाना लौकी, ठीक है, और बहुत सी बीमारियों से बचाती भी है। तो लौकी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, खासकर गर्मियों में लौकी का रायता, लौकी की भुजिया, लौकी किसी भी चीज़ के साथ, दाल के साथ बनाएं, वैसे फ्राई करके भी आप उसके करके बना सकते हैं, वो भी सिखाऊँगा आपको। साथ ही हम बना रहे हैं अफ़गानी चिकन कढ़ाई। अफ़गानी चिकन कढ़ाई फरमाइश थी, मैं हमें बलूचिस्तान साइड से या जेकबाबाद से आई थी, तो मैं कहा था सैटरडे को बनाएंगे ये दोनों रेसिपीज़। रिपीट टाइम चेंज हो गया, सुबह 12 बजे अब रिपीट चलता है, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है। कोई भी फरमाइश करनी हो, कुछ भी पूछना हो, कॉल करके पूछ सकते हैं। एनएक्स हमारे साथ है, एनएक्स में जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, हैंड बीटर, हैंड मिक्सर, माइक्रोवेव ओवन है, और ख़ासकर ये बीटर जो है, इससे बहुत सारी चीज़ें, पकौड़े वगैरह बनाने का मिक्सचर इससे हो सकता है, ठीक है। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या रेसिपी स्टार्ट करेंगे, दाल मूंग और लौकी की। दाल मूंग के लिए हमने लेनी है 1 कप दाल या आधा पाव मूंग की दाल, धुली हुई बग़ैर छिलके के, ठीक है। और इसको आपने 1 घंटा भिगोना है, वॉश करके 2-3 दफ़ा पानी से। आधा पाव काफ़ी है, यानी आधा पाव नहीं समझ आ रही तो 1 कप भर के आपने ले लेनी है, ठीक है। 1 कप मूंगन जी दाल बग़ैर छिलके जे, जेका पीली वारी हूंदी आहे उहा, या अधु पाउ खणंदो, हिनखे 2-3 दफ़ा पाणी सां धोईंदो, उनजे बाद हिनखे पिसाए छॾिजो 1 कलाकु। हिते लौकी आहे 1/2 किलो, गोल वारी हुजे या लंबी वारी हुजे, जेका बि तव्हांखे मिली वञे, 1/2 किलो हुजे काफ़ी थी वेंदी। छिलंदो, कद्दूकश कंदो, कद्दूकश जीअं असां गजरुनि खे कंदा आहियूं हलवो ठाहिण लाइ, हुन तरीक़े सां कद्दूकश कंदो। हे पाणी में छो पुसाए रखी आहे, छाकाणि त कारी न थिए, फौरन हिन कारी थियणु शुरू थी वेंदी आहे, डार्क थियणु शुरू थी वेंदी आहे, त पाणी में पिसाए रखण खां छा थींदो आहे, हिनजो कलर चेंज न थींदो आहे, ठीकु आहे। दाल हमने ली है मूंग की, आधा पाव या 1 कप आपने ले लेनी है पीली दाल बग़ैर छिलके के, धुली हुई, उसको आपने वॉश करके 1 घंटा भिगो के रखना। 1/2 किलो लौकी गोल वाली ले लें या लंबी वाली ले लें, छील के इसको आपने कद्दूकश करना है, जिस तरह हम गाजरों को कद्दूकश करते हैं हलवा बनाने के लिए, इस तरह ये कद्दूकश हुई हुई है। तो ये इस तरह चेंज करके दाल के साथ बना रहा हूँ, डिफरेंट लगेगी, शौक से खाएंगे सब, जो नहीं भी खाते हैं वो भी खाएंगे, ठीक है, और मज़ेदार लगेगी आपको ये। तो इसको पानी में डिप करके इसलिए रखा हुआ है ताकि ये काली ना पड़े, वरना लौकी कटने के बाद एकदम कलर चेंज करना शुरू कर देती है, तो ये पानी में डिप करके रखी हुई है। अब हम स्टार्ट करते हैं और डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताता जाऊँगा, ठीक है। हिकड़ी शे तव्हांखे ॿुधाईंदो वेंदुमि स्टेप बाय स्टेप। हिते असां खणंदासीं कुकिंग ऑइल 6 खां 7 खाइण जा चमचा, बस वधीक ना, ठीक है। ऑयल है और डालेंगे तो पानी है, वॉश हुए होते हैं बर्तन तो पानी खुश कर देते हैं इसको। और अब हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल कितना, 6 से 7 खाने के चम्मच। दाल सब्ज़ी में कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कम किया करें। कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम,
ठीक है। इतने जी ऑयल गरम थी, ऑयल गरम होगा, इसमें हमने क्या डालना है, यहाँ पे हम डालेंगे प्याज का पेस्ट, ठीक है। अच्छा, ये बिल्कुल हर चीज़ ऐसे बना रहा हूँ, कद्दू जो है, लौकी वो कद्दूकस की हुई है, दाल भीगी हुई है, टमाटर का भी पेस्ट जाएगा, प्याज का ही पेस्ट जाएगा, बिल्कुल ऐसे बनेगा जैसे भुरता होता है ना, उस स्टाइल का ही बनेगा, टेक्सचर होगा इसका ज़बरदस्त ही, शोरवे वाली नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। आप खाएंगे आपको बिल्कुल डिफरेंट लगेगा। तो यहाँ पे हमने एक बड़ा प्याज या दो मीडियम साइज़ के प्याज, इसको आपने पीस लेना है कम पानी के साथ, बारीक बारीक कटिंग करके ब्लेंडर से कर लें या इमाम दस्ते में भी कूट के कर सकती हैं, ठीक है। स्लाइसेस वाला नहीं डालना है क्योंकि हमने हर चीज़ एक जैसी रखनी है। एक वडो बसर उखरी मोरे में कुटी वर्जो या इनके कद्दूकश करे वर्जो, ठीक है, या इनके जूसर मशीन में विझी, थोड़े से पानी सा गर इनके तां विझी छो, एक वडी गंडा है बसर जी या ब नंढा बसर, एक बड़ा प्याज या दो छोटे प्याज, ठीक है। प्याज को हम यहाँ पे करेंगे लाइट सा गोल्डन फ्राई, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, लाइट गोल्डन फ्राई करेंगे प्याज को, ठीक है। बसर के थे गाढ़ो कंदासी, गुलाबी कंदासी, वधिक ब्राउन करना ही करणो, ठीक है। उनका पसंद में विझंदासी अदरक थूम जो पेस्ट, उसको काइंड जो चमचो, जैसे प्याज हमारा यहाँ पे गोल्डन कलर में आने लगेगा। अच्छा, प्याज को आप कद्दूकश भी कर सकती हैं, कद्दूकश करने वाला सांचा सबके घर में होता है स्टील का, उससे कद्दूकश भी करेंगी प्याज तो वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। स्लाइसेस में या चॉप करके नहीं डालना है, या कूट लें या ब्लेंडर में या हैंड बीटर से आप इसको ब्लेंड कर दें, या फिर आप कद्दूकश कर लें, ठीक है, जो भी ऑप्शन आपको समझ आए। कॉल बट हूँ, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, ट्रांसफ़र ना पी थी कॉल पर, हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन हो, कहाँ से बात कर रहे हैं जी? जी फैसल गलाया पे, कह रहे हैं कितना गलाया पे जी, यदि कुछ चैन चाहिए मेहरबानी, तमाम घणी कोफ्तन में छा भी जंदा आयो ता भुगड़न जो पाउडर मुझे लगे तो विझंदा घो विझंदा अध किलो में अगर टे चमचा विझंदा कीमे में दही जो इस्तेमाल दही मिलाई छंदा कर पानी वाली दही ना होजे एक खाने जो चमचो दही मिलाए छजो ठीक है आई एकड़ो बेदो फेटे उनमा अद्ध विझी छजो पो इनके मिक्स कजो पो कोफ्ता ठाए जो नरम ठांदा ठीक है दा मेहरबानी ओके दी थैंक यू अल्लाह हाफिज़ प्याज गोल्डन कलर में आ गया मैंने कवर कर दिया था अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट एक खाने का चम्मच एक खाने जो चमचो अदरक थूम जो पेस्ट हली हो ठीक है एक खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के साथ हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें चॉप की हुई कितनी दो अदद मोटी वाली हरी मिर्चें चॉप की हुई दो अदद बदद सावा मिर्च बारीक कटिंग करे ताई जे अंदर विझंदो ठीक है मोटा मिर्च आइन फिक्का वाला तो ब विझिजो अगर तिखो मिर्च है तो एक विझो अगर मोटा हरा मिर्च जो है कढ़ाई वाला तो वो आपने कितना डालना है वो आपने डाल देना है इसमें दो तीन भी डाल सकती हूँ फीके होते हैं वरना फिर आप बारीक वाली हरी मिर्च इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने एक डालनी है हरी मिर्च और लहसुन की खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट तीन अदद मीडियम साइज़ के टमाटर हैं एक कप जितना टमाटर का पेस्ट है टमाटर जो पेस्ट एक कप है ठीक है एक कप टमाटर का पेस्ट चला गया इसको भी भूनेंगे ठीक है डिफरेंट तरीके से बना रहा हूँ वरना इस तरह हम लौकी दाल नहीं बनाते हैं तो मैंने कहा थोड़ा चेंज करके बनाएं हाँ टमाटर जो जडे पानी खुश्क थो ठीक है तो इनमें असा छा छा मसाला विझंदी जब तक कि फ्राई होने टमाटर तो इसका पानी ड्राई होगा यहाँ पे हम लेंगे पिसी हुई लाल मिर्च एक चाय का चम्मच हल्दी पाउडर एक चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च एक चाय का चम्मच नमक एक चाय का चम्मच जीरा पाउडर एक चाय का चम्मच या कूट लें साबित धनिया डेढ़ चाय का चम्मच कूट के मेथी दाना ये आपको नज़ारा होगा आधा चाय का चम्मच ठीक है ये मेथी दाना है आधा चाय का चम्मच पिसी लाल मिर्च हल्दी पाउडर कुटी लाल मिर्च नमक एक एक चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर एक चाय का चम्मच साबित धनिया कुटा हुआ या पाउडर फॉर्म में बना दें उसको लेकिन पिसा हुआ धनिया नहीं डालना है ठीक है दरदरा सा होना चाहिए डेढ़ चाय का चम्मच मेथी दाना आधा चाय का चम्मच पीठल गाढ़ा मिर्च हेड कुटियल गाढ़ा मिर्च आई लूण एक एक चाय जो चमचो पीठल गाढ़ा मिर्च हेड कुटियल गाढ़ा मिर्च लूण एक एक चाय जो चमचो धाणा
साबित वारा कुटियल डेढ़ चाय जो चमचो आई जीरो कुटियल एक चाय जो चमचो साबित धाणा डेढ़ चाय जो चमचो जीरो कुटियल एक चाय जो चमचो आई मेथी दाणा हुड़बे जा बीज हुंदा आहिनि ज़ायको सुठो ईंदो आहे खुशबू ईंदी आहे त उहो तव्हां विझंदो अधु चाय जो चमचो सारे मसाले चले गए जब टमाटर का पानी आप देखेंगी खुश्क होने लगा ऑयल ऊपर आया आपने इसमें मसाले डाले और मसाले डाल के आपने इसमें भूनना है ठीक है इसकी दो मिनट भुनाई करेंगे ताकि मसाले से ऑयल निकल आए ठीक है मसाले जो ऑयल निकली अच्छे टमाटर जो पानी भी खुश्क थे पियो ढी मज़ेदार ही रेसिपी है दाल और लौकी की ठीक है गर्मी में लौकी जो इस्तेमाल कबो तो लौकी जो रायतो लौकी की बटे बी भी रेसिपीज हैं वो भी ठाईंदी सब्जियों काफ़ी सारी अच्छी हुई नयू तो ठाईंदी ठीक है यहाँ पे मैं एक टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल रहा हूँ मुझे कम लग रहा है थोड़ा सिर्फ एक खाने का चम्मच आपने 7 to 8 टेबल स्पून करना है बस काफ़ी है ठीक है ऑयल में चंगी तरह मसाले के भुनणो है ताकि मसालन जो कच्चोपन भी खत्म थी वन टमाटा भी फ्राई थी वन सावा मिर्च अदरक की खुशबू अचे पी बसरन जो पेस्ट अस गाढ़ो कर छो अच्छी तरह इसकी भुनाई करें जब तक आपको लगेगा ग्रेवी बड़ी अच्छी सी तैयार हो जाए ऑयल में पक पक के मसाला बिल्कुल तैयार हो जाए और रेडिश सी टोन आने लगे ठीक है ये देखें ये हमारा मसाला कितना ज़बरदस्त तैयार हो गया ठीक है ये मसालो इन तरीके से ज़बरदस्त असा तैयार थी गया ऑयल इन मथा अची वो ठीक है कच्चोपन ना है हाँ मसाले में टमाटा भी भुनजी गया अब हम क्या करेंगे जो एक कप दाल भिगो के रखी थी एक घंटा उसका पानी निकाल के वो दाल इसमें ऐड करेंगे कॉल लेते हैं अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अभी डाल करें ओके अब जो दाल हमने डाली थी भिगो के रखी थी एक कप मूंग की दाल एक घंटा भीगी हुई वो डाल दी चूल्हा थोड़ा हल्का रखना है एक कप दाल मूंगन जी बगैर छिलके जी जेका पिसाई रखी हुई पीली वारी वो विधी उनके भुजनो एकड़ो मिनट ताई हाने जेका लौकी असा कद्दूकश करे रखी आ यो विझंदासी अब जो लौकी कद्दूकश करके मैंने पानी में रखी थी ये पानी से निकाल देंगे इस तरह पानी से लौकी निकाल के इसके अंदर डालेंगे और लौकी डाल के मिक्स करेंगे दो तीन मिनट इसको भूनेंगे कॉल लेते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम बेटा जीते रहो खुश रहो कैसी हैं आमीन जजाकल्ला मैं खैरियत हूँ बेटा अल्लाह का लाख शुक्र है मैं ठीक ठाक हूँ मैंने कहा मुझे तो अब गर्मियों में मजा आएगा ये सब्जियाँ दालें बहुत मजा आता है मुझे नहीं वैसे खानी भी चाहिए पता है सब्जियों दालों से लोग बहुत दूर होते जा रहे हैं हर तरह की सब्जी खानी चाहिए नहीं मेरे यहाँ तो मैं तो अगर ना हो सब्जी तो मुझे तो खाना नहीं खाया जाता अच्छा मेरे घर में पता है क्या डेली दोपहर को सब्जी बनती है ठीक है रात में कुछ भी आप चेंज करके बनाए वो बनाते हैं लेकिन दिन में ज्यादातर हमारे यहाँ भी सब्जी बनती है डिफरेंट डिफरेंट रिपीट नहीं होती बिल्कुल 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 सही और ये मुझे तुम्हारा स्टाइल इतना पसंद आया जो कद्दू कश करके डालने का यही मैंने सोचा कि चेंज करके बनाऊँ ना थोड़ा हर कोई शौक से नहीं खाता है लौकी लोग भाग रहे होते हैं लौकी से नहीं ये तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया मिल गया मैं भी बनाऊंगी इंशाल्लाह कद्दू कश करके जरूर जरूर बनाएगा तबीयत कैसी है आपकी वगैरह कद्दू कश करके बनाती हूँ चुकंदर कभी चुकंदर गोश्त बनाना चुकंदर अच्छा कल मैं आपको फोन नहीं कर सका था असल में बिजी था वाइफ की भी तबीयत सही नहीं थी थोड़ी तो बच्चों के साथ थोड़ा बिजी था टाइम बेटा जब दिल चाहे जब करना अच्छा दूसरी बात मैं ये कह रही हूँ कि आज मैंने जो आपकी रेसिपी वो देखी थी ना आपने गवार और वो बनाया था शरबत जी 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 तो वो रिपीट नहीं हुआ वो पिछला वाला भिंडी चिकन रिपीट हुआ था लेकिन अभी आपका वो अपलोड नहीं हो रहा कोई भी प्रोग्राम ये कल वाला भी अपलोड नहीं हुआ है नहीं हुआ उसकी जगह भिंडी और चिकन वाला आया था अच्छा असल में जो दो प्रोग्राम वो बैंगन वाला है ना वो थोड़ा सिस्टम में कोई परेशान कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो वो जो दो रह गए थे ना वो अपलोड नहीं हुआ नहीं मेरा कहने का ये मतलब है वहाँ के कोई नया प्रोग्राम अपलोड नहीं हो रहा मैं चेक करती हूँ ना रात को या सुबह सुबह कल वाला ये कह रहे हैं हो गया आप देखें अब हो गया होगा लेकिन अभी सुबह तक तो नहीं हुआ था अच्छा कल वाला कह रहे हो मैंने सुबह आज सुबह 12 बजे मैंने आपको टीवी में देखा था जो भिंडी और चिकन वाला आ रहा था
अच्छा रिपीट में? हाँ रिपीट में भिंडी का चिकन वाला शो वाला रिपीट छो न हली वसा जो कलवारो। हाँ ये कोई प्रॉब्लम होगी ऊपर से? बात नहीं, अच्छा है आप लोग बताते हैं। देखें मुझे भी पता नहीं है, कंट्रोल रूम में भी ये बात पता नहीं। नहीं देखें कंट्रोल रूम में भी पता नहीं था, वो भी कह रहे हैं पता करते हैं क्यों नहीं रिपीट चला ना। हाँ, तो आज रिपीट में वो भिंडी चिकन और वो चला था। अच्छा दूसरी बात बेटा, एक छोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन दूँ, जब भी किसी चीज में मेथी दाना डालो ना जी, मेथी दाना जी जी, तो वो आज जब तेल गर्म हो तो उसी में डाल दो, ऑयल गर्म करके। ठीक ठीक ठीक, वो अपना बहुत अच्छा फ्लेवर, कच्चा नहीं डाला करो, जरा सा करकरा के डालो। चले ठीक है, ठीक है इंशाल्लाह। फोन करना, मैं बैगन भी कर सकता हूं। थैंक यू, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ये देखें इसको मैं भूनते भूनते, इसके अंदर लेस आ रही है, चिकनाहट सी आ रही है, किस चीज़ की? दाल की भी और लौकी की भी। ठीक है इनके मां भुनिया पियो इतारी संदो दाल ए लौकी मिक्स थी वही है, इनके अंदर लेस ठहे पई, ॾाढी जबरदस्त ठहंदी ही भाजी दाल लौकी, तां ठाहे जो ज़रूर। तो 3-4 मिनट मां इनके भुनियो आए, ठीक है, मीडियम फ्लेम पे 3-4 मिनट मैंने इसको भुना है, लौकी और दाल को। इसके अंदर लेस बन रही है, लेस किस चीज़ की? मूंग की दाल की और लौकी की। ठीक है ये परफेक्ट हमारी तैयार हो गई। अब हम इसमें डालेंगे पानी, क्योंकि हमने दाल को गलाना है ना, तो इसमें हम पानी डालेंगे 1 कप सिर्फ, लौकी को भी गलाना है तो 1 कप सिर्फ पानी जाएगा, इससे ज़्यादा पानी नहीं जाएगा। ठीक है 1 कप पानी डाला, 1 कप पानी विधो, इनके मिक्स कंदासी, इनके हल्की बाहि ते छॾी वठंदासीं 20 मिंटनि जे लाइ, हल्की आंच पे इसको 20 मिनट के लिए शिफ्ट करते हैं दूसरी तरफ और ये पकती रहेगी। ठीक है 20 मिनट बाद इसको भुनाई करेंगे, उसके बाद इसमें डालेंगे हरी मिर्चें और हरा धनिया, बहुत ही मज़ेदार बनेगी और ये आप राइस के साथ रोटी के साथ खाएं बहुत मज़े की लगती है। ठीक है हिते इनके मीडियम हल्की बाहि ते रखंदासीं 20 मिंट, छाकाणि त लौकी कच्ची आहे त लौकी खे असां पचाइणो, 5 मिंट भुञियो आहे उनखां पोइ असांखे मज़ीद पचाईंदासीं। 5 मिनट लौकी को भुना, अब हम इसको मज़ीद पकाएंगे 20 मिनट, तब जाके परफेक्ट तैयार होगी। सेकेंड रेसिपी अफगानी चिकन कढ़ाई, इसके लिए कढ़ाई लेते हैं, इसको थोड़ा सा ड्राई कर लेते हैं। अफगानी चिकन कढ़ाई की फरमाइश भी थी जिनकी, जैकब आबाद से, पता नहीं कहाँ से थी, तो ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है अफगानी चिकन कढ़ाई के लिए ऑयल इसमें ज़्यादा जाएगा, चिकन 750 ग्राम से 1 किलो तक की क्वांटिटी है, मेरे पास 750 ग्राम है। ब्रेक जो टाइम थियो चूल्हो बंद तो के छा, ब्रेक का पहुंची असा इन रेसिपी के स्टार्ट करना सी। ठीक है चूल्हा बंद कर दिया, ब्रेक के बाद आके हम अफगानी चिकन कढ़ाई की रेसिपी बनाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेका मां चिकन अफगानी कढ़ाई ठाहियो पियो, हुनजी रेसिपी तव्हांखे ॿुधाई छॾां की हिते असां चिकन खयों आहे 3 पाका 1 किलो जेतिरो, लेकिन मूं वटि आहे 3 पा 750 ग्राम। कढ़ाई कट कराए छॾिजो, नंढी बूटियूं कराइजो। ठीक आहे कढ़ाई कट हुजणु खपे, नंढी बूटियूं हुजणु खपनि, वॾियूं बूटियूं न हुजनि, कढ़ाई में हमेशह नंढी बूटियूं हूंदियूं आहिनि। बीफ आहे, मटन आहे, हुनमें बि नंढी बूटियूं हूंदियूं। ठीकु आहे बीफ है, मटन है, या दुंबे का गोश्त है, जो भी आप बनाएं उसकी आपने छोटी बूटियाँ करवानी है। चिकन है तब भी छोटी बूटियाँ होंगी। तो यहाँ पे हमने 1/4 कप ऑयल लेना है, इसमें ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा जाएगी, या वनस्पति घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल। अच्छा अफगानी कढ़ाइयाँ जो बनती हैं ना, उसमें असल में डलती है दुम्बे की चक्की, जो रेस्टोरेंट्स में बनती है, जो अफगानिस्तान में या क्वेटा साइड पर या जैकबाबाद साइड पर जी, या और भी रेस्टोरेंट्स ऐसे हाईवे पर हैं कराची में भी, तो वो क्या डालते हैं दुम्बे की चक्की, उस जो चर्बी निकलती है ना, रवात होता है, उससे जो चर्बी निकलती है उसमें वो बनाई जाती है। ठीक है या चर्बी वाला गोश्त होता है तो जो टेस्ट उसका ज़बरदस्त आ रहा होता है, तो वो हम घरों में चर्बी इस्तेमाल नहीं करते, तो आप वनस्पति घी डाल सकती हैं। ठीक है 1/4 कप फ्लेवर देने के लिए। यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल लिया, आप कुकिंग ऑयल में बनाएं, 1/4 कप कुकिंग ऑयल लिया, इसमें हम डाल देंगे 3 पाव कढ़ाई कट किया हुआ क्या चिकन। अच्छा बीफ और मटन का तरीक़ेकार डिफरेंट है, वो भी बताता हूँ। चिकन जेका है 3 पा खणंदो, कढ़ाई कट कराए छो नंढे साइज़ में, ठीक है इनके तुम ऑयल में विझी फ्राई कंदो। अच्छा ही लेग पीस तुम ऐसो पाया, ट्रंग जेका हुंदी आहे इहा भी नंढी कराइजो, फुल ना हुजण खपे कढ़ाई में। ठीक है लेग पीस को भी 2 कराया जाता है कढ़ाई में, तो उससे परफेक्ट बनती है। ये हमने ले ली 3 पाव यहाँ पे चिकन, ठीक है, और 1 किलो है तब भी इसी मेथड से बनेगी, सिर्फ उसमें क्या होगा टमाटर 2 हम बढ़ा देंगे जो क्वांटिटी के मैं डालूंगा।
किलो आहे त उनमें 2 टमाटा वधाई छंदासी जेतरो मा ताके टमाटा 3 पजा या 2 किलो में बिजंदा ठीक आ। अब इसको फ्राई करेंगे। बीफ या मटन बनाने का तरीकेकार क्या है कि पहले आपने एक ग्लास पानी डालना है, आधा किलो से 3 पाव में, अगर 1 किलो गोश्त है तो 2 ग्लास पानी डालेंगी। पानी डाल के उसमें आपने डाल देना है अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। कढ़ाई में 2 ग्लास 2.5 ग्लास पानी डालेंगी, उसमें आपने डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। फिर उसमें आपने डाल देना है बीफ या मटन या दुम्बे का गोश्त, वो डाल के एक बॉयलिंग आने दें। जब एक बॉयलिंग आने देंगी फिर आप उसको कवर करेंगी, हल्की आंच पे छोड़ देना है उसको 40 मिनट के लिए, ठीक है। बीफ मटन या दुम्बे का गोश्त वो गल जाएगा बिल्कुल, चेक करेंगी पानी खुश्क हो जाए। जब पानी खुश्क हो जाएगा फिर आप उसमें डालेंगी ऑयल, फिर ऑयल डाल के आपने इसको फ्राई करना है गोश्त को। ये प्रोसेस होता है बीफ और मटन का, ठीक है। बीफ बकरे जो गोश्त या दुम्बे जो गोश्त ट्रेनिन में जेका भी कढ़ाई ठाने चाहो तो उन ला पे छा कौ 2.5 ग्लास पानी खड़ो, उनमें अदरक थूम पेस्ट करे पानी में मिलाए छो, कढ़ाई में विझो या पतीले में, उनमें तुम गोश्त विझी छो बकरे जो या वडे जो या दुम्बे जो। एकड़ो जोश अचण जो बॉयल इंदो, कवर कंदो हल्की बाहे ते 40-45 मिनट पचण दींदो, गोश्त गरी वेंदो, चूल्हो तेज करी पानी खुश कंदो, पोन में ऑयल विझी उनके फ्राई कंदो। लेकिन मुर्गी आए तो पहली मुर्गी के साथ फ्राई कंदा सी में पानी ना वेंदो। कॉल वठू था सामने वीकली प्रो ऑफर। ये चिकन है तो चिकन में पानी नहीं डलता है, चिकन को हम डायरेक्ट फ्राई करेंगे, इसका कलर आ जाएगा, पानी अपना छोड़ रही है। इसमें मीडियम फ्लेम पे इसको हमने फ्राई करना है और अब मैं इसको कवर करूँगा 3-4 मिनट के लिए ताकि चिकन में स्टीम बनेगी, उसका जो अपना पानी निकलेगा हीट पे उसमें चिकन टेंडर हो जाएगा और फ्राई होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मुर्गी के डायरेक्ट ऑयल में फ्राई कब हुआ है, बीफ मटन के पानी में बॉयल करे अदरक थूम जो पेस्ट संगत गरी वेंदो तो ऑयल विझी फ्राई कबो, बस ही फ़र्क हूँ है, ठीक है। सिर्फ ये फ़र्क होगा, ये गौर से नोट कर लें ये चीज़, बीफ मटन को आपने बॉयल करना है अदरक लहसुन के पानी के साथ और उसको ड्राई करके फिर भून के आपने उसमें ऑयल डाल के, लेकिन उसमें ऑयल की क्वांटिटी फिर आप 1/2 कप डालेंगी, यहाँ पे हमने 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा लिया है क्योंकि हम चिकन को डायरेक्ट फ्राई कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने कवर कर दिया, चिकन फ्राई भी हो रहा है, इसमें स्टीम भी बन रही है। दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, दाल को चेक करते हैं, ठीक है। वुडन स्पून लेते हैं, देखिए इसको बीच बीच में चेक कीजिएगा, कभी कभी क्या होता है दाल नीचे से लगना शुरू हो जाती है, ठीक है। इसको भून रहा हूँ चंगी तरह, इनके उल्टा स्पून लेना है आपने, ये वुडन स्पून घर में होता है दाल वाला, ठीक है। घोटन जिला उबती डोई जो खड़ी लकड़ी वाली इनके तरह इन तरीके से घोटन दो, ऐसे हाँ में लौकी नज़र न पी अचे तक, दाल भी गरी वही है, दाल भी गल रही है और लौकी आपको इसमें नज़र नहीं आ रही होगी। बीच में जब 15 मिनट गुजर जाए आपने इसको इस तरह एक दफ़ा घोटना है, ठीक है। फिर हमने इसको कवर करना है ताकि लौकी बिल्कुल अंदर इसमें मैश हो गई है, फ्लेवर आएगा लौकी का बड़ा ज़बरदस्त। और ये बड़ी डिफरेंट तरीके से मैं बना रहा हूँ, ठीक है, इनके बिल्कुल मुख्तलिफ़ तरीके से ठाया पे हो, चंगी तरह घोटंदासी। अब घोटने के बाद इसको हमने फिर कवर कर देना है 15 मिनट के लिए, ठीक है। 10 से 15 मिनट आपने अगेन इसको कवर कर दिया। चिकन को देखते हैं, चिकन हमारी गोल्डन कलर में जब आ जाएगी, अब मैंने इसको 3 मिनट हो गए, इसको पलटाएँगे, ऑयल में पानी आ गया है, ऑयल में पानी अच्छी गया छाजो मुर्गी जो, ठीक है। अभी मैंने इसमें अदरक लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं डाला, अब मैं चूल्हा तेज़ करूँगा और चिकन को हमने फ्राई करना शुरू कर देना है, ठीक है। हाँ मुर्गी के ते फ्राई करना शुरू करना से चूल्हो तेज़ करें। मुर्गी काफ़ी हद तक नरम थी चुकी है क्योंकि पच्चे पे ऑयल में वरी कवर करने का इन तरीके से खाए गए। अब इसको हमने फ्राई करना है अच्छी तरह, जब चिकन का बिल्कुल गोल्डन कलर आने लगेगा फिर हम इसमें क्या डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच और हरी मिर्च चॉप की हुई मोटी वाली जो हरी मिर्च होती है कढ़ाई में डालने वाली 2 बारीक काट लेंगे, ठीक है, वो और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के साथ ही हमें इसमें फ्राई करना है। लेकिन अभी चिकन को फ्राई करते रहें गोल्डन कलर आने दें। मुर्गी के अना फ्राई कयो चंगी तरह 3-4 मिनट ताईं, मुर्गी की जो बूटी है इनके मथा कलर अची वने, अना इनमें कलर को ना आए वो मुर्गी जो पांजो पानी आए वो खुश्क पे थी। जब ये फ्राई होने लगेगी तो हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ये 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट चला गया, ठीक है। इसमें हम डालेंगे मोटी वाली हरी मिर्चें कटिंग करके 2 अदद, मोटा सावा मिर्च कटिंग करे विझंदासी 2 अदद। अफगानी कढ़ाई इसी तरीके से बनती है, ठीक है। बीफ और मटन को आपने गला लेना है,
उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट आपने पहले ही डाल देना है, बस फ्राई करना है फिर उसको ऑयल में, फिर हरी मिर्च इस तरह डाल के थोड़ा फ्राई करेंगे, ठीक है। बस ये प्रोसेस होगा मुर्गी इन्हें तरीके से पे बकरे जो गोश्त या मटन या बीफ जो गहूँ जो गोश्त है त उनके तव्हां जीअं बॉयल कंदो अदरक थूम जे पेस्ट सां गॾु गरी वेंदो गोश्त, पोइ ऑयल विझी फ्राई कंदो, सावा मिर्च ॿ गॾु विझी छॾिजो पोइ, ठीकु आहे। लेकिन हिते असां छा कयो, अदरक थूम जे पेस्ट सां गॾु सावा मिर्च विधा। अब ये फ्राई होता रहेगा, हरी मिर्चों से क्या होगा, ऑयल में फ्लेवर आएगा, ज़बरदस्त किस्म का ऑयल का फ्लेवर आएगा, ऑयल में फ्लेवर आएगा हरी मिर्चों का, जो कढ़ाई में एक जायका और एक खुशबू आ रही होती है वो इसी वजह से आती है कि हरी मिर्चें ऑयल में फ्राई हो रही होती है साथ साथ चिकन और बीफ के साथ, ठीक है, मटन के साथ। अब हरी मिर्चें भी इसमें फ्राई हो रही हैं, चिकन का कलर ज़बरदस्त हमारा होने लगा है। अब हम इसमें क्या डालेंगे, टमाटर, यहाँ पे हैं टमाटर हमारे पास 4 अदद बड़े टमाटर, ठीक है, 4 अदद बड़े टमाटर या 6 छोटे टमाटर हैं तो 6 लेने, लाल गले हुए सड़े हुए ना हो, साफ हो, उसको आपने ग्राइंड करना है लेकिन बग़ैर पानी के, छोटे छोटे पीस करके बग़ैर पानी के ग्राइंड करना है, पानी नहीं जाएगा, नंढा नंढा पीस करे तां इनके ग्राइंड कंदो, हे ॾिसो घाटा हुजणु खपे, हिनमें पाणी नाहे विझणो, ठीकु आहे, हिन तरीक़े सां इनखे ग्राइंड करे छॾियो आहे। अब जब आप देखेंगे वहाँ पे चिकन का कलर गोल्डन हो गया है तो हम इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे, ठीक है, टमाटर का पेस्ट डाला और इसको करेंगे फ्राई, ठीक है, टमाटर जो पेस्ट विधो और इनके मिक्स करना था, इसको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूँगा नमक, नमक में कितना डालूंगा इसमें, भर के 1 चाय का चम्मच, ठीक है, 3 पाव से 1 किलो तक की है, 1 चाय का चम्मच नमक, ठीक है। इसके बाद हम डालेंगे काली मिर्च कुटी हुई भर के 1 और 1/2 चाय का चम्मच, 1.5 चाय जो चम्मच पीठल काला मिर्च, 1 चाय जो चम्मच लूँ, 1.5 चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच नमक। अब मैं इसको कवर करूँगा टमाटर के साथ, हल्की से थोड़ी मीडियम फ्लेम पे चिकन गल जाएगी, ठीक है, मुर्गी टमाटन जे पेस्ट सां गड गरंदी, पानी नाहे विझणो मुर्गी में, और बीफ और मटन का भी यही प्रोसेस है, क्योंकि बीफ और मटन बॉयल होगा, ऑयल में फ्राई होगा हरी मिर्च के साथ, फिर आपने इसमें टमाटर का पेस्ट डालना है, उसके बाद आपने इसमें काली मिर्च और नमक डालना है और इसी तरह मिक्स करके कवर कर देना है, लेकिन मुर्गी को, लेकिन बीफ और मटन आप बनाएंगी तो उसको आपने कवर नहीं करना है, ये चीज़ें नोट करनी, छोटी छोटी प्रोफेशनल आपको टिप्स दे रहा हूँ, क्योंकि बीफ और मटन वहाँ गला हुआ है, वो हमने फ्राई कर दिया, फ्राई करने के बाद हरी मिर्च के साथ फिर आपने टमाटर डाले, टमाटर डाल के आपने चूल्हे का कवर नहीं करना है, कवर नहीं करना है, और आपने क्या करना है कि उसको फ्राई करना है टमाटरों को बीफ और मटन के साथ, कवर नहीं करना है क्योंकि वो बिल्कुल हलवा बन जाएगा गोश्त, ठीक है। सिर्फ चिकन को हमने कवर किया है क्योंकि चिकन जो हमारा है वो टमाटर के पेस्ट के साथ गलेगा, बस ये फ़र्क है, ठीक है, सिर्फ यही फ़र्क है, ॿियो हिन में कोई फ़र्क न आहे। हाणे असां जो लूणु हटाई था छॾूं, वरी मां किथे डबल न विझी छॾियां, लौकी खे चेक कयूं था, दाल लौकी ॾिसो ज़बरदस्त हिन जो ऑयल मथे अची वियो आहे, हे तयारु थी वई आहे, इसको फिर घोटा लॻाऊंगा अच्छी तरह तेज़ आंच करके, थोरी इसको भुनाई करेंगे ताकि इसका ऑयल निकल के आए। लौकी गल गई है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, दाल बिल्कुल गल गई है, मूंग की दाल, ठीक है, इस तरह आपने इसको भूनते रहना है, गोटा लगाते रहना, ठीक है, इनके चंगी तरह डोई सा भुनंदो, गोटो लगाईंदा रहो, उबती डोई रखी इनके कंदो, इनका छा थींदो, दाल भी सफ़ा मैश थी वेंदी, ऐं लौकी जेका है वो भी तमामु सुठी इनमें भुनाई थींदी। इसी दौरान हम क्या करेंगे, यहाँ पे हरी मिर्चें कट करते हैं लौकी में डालने के लिए, 2 अदद 2 अदद सावा मिर्च बारीक कटिंग कंदासीं, ठीक है, 2 अदद मोटी, अगर बारीक हैं तो आपने एक डाल दें बड़ी, या छोटी हैं तो 2 डाल दें, ये मेरे पास हरी मिर्चें मोटी वाली जो कढ़ाई में हम इस्तेमाल करते हैं तो ये मैं 2 डाल रहा हूँ, ठीक है, ये 2 सावा मिर्च लौकी में विझंदासीं जॾहिं जो ऑयल मथे अची वियो, ठीक आहे, ऑयल ऊपर आ गया तो आपने लौकी में हरी मिर्चें डाली 2, एक और डाल दूँ क्योंकि ये तेज़ नहीं है, अगर तेज़ हो तो आपने 2 डालनी है, ठीक है, 3 सावा मिर्च विधाएं छाकाण का ही तेज़ ना है, ये डाल के आपने इसको थोड़ा मिक्स करना है, ऑयल ऊपर आ गया भुनाई करते हुए। अब हम इसको फिर कवर करेंगे 5 मिनट के लिए ताकि इसमें जो हरी मिर्चें डाली हुई हैं उसका फ्लेवर निकल के आए, ठीक है। अब ये टमाटर के पानी में
टमाटर के पेस्ट में चिकन हमारा यहाँ पे गलना शुरू हो गया है, ठीक है। अभी तक मैंने इसका कवर नहीं हटाया, 5-8 मिनट इसको पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे। बहुत हल्की आँच नहीं कीजिएगा वरना क्या होगा, हड्डी से चिकन अलग हो जाएगी। इस तरह आपने नहीं करना, बस ये ऑयल ऊपर आने लगेगा। 4-5 मिनट हो गए हाणे के अंदाज़ ही इनके, ऐसो हाणे चिकन तमाम सुठे से गरी भैया, चूल्हो तेज़ कंदा सी ताकि फुल, अब फुल आँच करेंगे, ठीक है। 5 मिनट के बाद फुल आँच करेंगे, टमाटर का जो पेस्ट है ये ड्राई होना शुरू हो जाए। इसमें जाएगी दही, 1 कप दही, क्योंकि अफ़गानी चिकन कढ़ाई है तो इसमें दही का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे हमने लेना है 1 कप दही। ये थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो इसमें से थोड़ी बचाऊँगा। दही को हमने इस तरह फेंट के डालना है, दही के फेंटे भिजल लो, ठीक है। 1 कप दही, जब टमाटर का पानी बिल्कुल आप देखेंगी ड्राई हो गया तो फिर हम इसमें दही डालेंगे, पहले नहीं डालेंगे। तेज़ बाहे थे मैं कहवा, चूल्हा तेज़ किया हुआ है, ठीक है। दही खट्टा ना हो ये चेक कर लीजिएगा, दही खट्टे भी होते हैं, गर्मियों में मिल रहा होता है खट्टा दही भी अक्सर मिल रहा होता है, दही खट्टा ना हो वरना आपकी कढ़ाई खट्टी हो जाएगी। दही खट्टी ना हो जाए या तो तुम्हारी कढ़ाई खट्टी थी वेंदी, ठीक है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखो, बस ये तो जैसे पानी टमाटर का खुश्क हो जाएगा, इसमें देखें ज़बरदस्त सा टेक्सचर आ रहा है, ये अफगानी कढ़ाई की तरह बनती है, ठीक है। अब इसका पानी फुल आंच पे हमने टमाटर का पानी खुश करना है, फुल बाहे ते टमाटर जो पानी जैसे सफ़ा खुश्क थो ऑयल में थे अचन लगन पो असाइन में विझंदी दही 1 कप। दही विझी वरी चूल्हो के कवर ना करो, इनके दही के खुश्क करो, कवर नहीं करेंगे, दही को इसी तरह हमने ड्राई करना है, ठीक है। उसके बाद इसमें और चीज़ें जाएंगी, वो फिर स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जाऊँगा। तमाम बेहतरीन जो कलर अच्छे पे हो, और ये थोड़ी ग्रेवी की तरह होती है, अफगानी कढ़ाई जो होती है ये ड्राई फॉर्म में नहीं होती है, ठीक है, ये थोड़ी ग्रेवी फॉर्म में होती है। इस चीज़ को नोट किया करें, जिस तरह मैं टिप्स बताता हूँ उस तरह बनाएं, बिल्कुल प्रोफेशनल, जब जाके खाते हैं अफगानी कढ़ाई वही आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, रेस्टोरेंट वाली। बिल्कुल इसका आप देखेंगे पानी खुश्क हो गया, अभी भी इसमें थोड़ा सा है टमाटर का पानी, बिल्कुल हमने ड्राई कर लेना है। जब बिल्कुल ऑयल सेपरेट होके नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जब बिल्कुल ऑयल सेपरेट थी नज़र अचान शुरू थी तो इनमें दही को इस्तेमाल करना चाहिए। अब बिल्कुल ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया, बबल्स बन रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसमें दही 2 हिस्सों में करके डालूँगा, आधी डाली 1 कप थी, ठीक है। इसको मिक्स करेंगे, दही खुश्क होगी, इसके अंदर दही खुश्क थी, दही के कवर ना करो, ऑयल मथे से पे नज़र ताकि तेज़ बाहे ते इनमें अध कप असा दही विझी छी, ठीक है। ये दही इस तरह आप घुमाते जाएं, दही खुश्क होती जाएगी। अब इसको बिल्कुल ड्राई करना है, ठीक है। जब आप देखेंगे ऑयल ऊपर आ रहा है, फिर आपने आधा कप दही इसमें और ऐड कर दें, ठीक है। ये 1 किलो तक की, 3 पाव से 1 किलो तक की रेसिपी में आपने इतनी दही डालनी है, अगर आधा किलो है तो फिर आपने आधा कप दही डालनी। अब इसको हमने ड्राई करना है दही को, हाणे दही के ते खुश्क कंदासीं, ठीक है। दही को हमने ड्राई करना है क्योंकि इसको कवर नहीं करना है। उसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे, इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चें मोटी वाली, कढ़ाई की जो हरी मिर्च होती हैं ये 20 से 2 कर लें, इस तरह 4 ले लें तो 8 बन जाएंगे पीस, ठीक है। 4 मोटा सावा मिर्च खड़ा दो तो 8 थी विंदा पीस, इन तरीके से फीकी होनी चाहिए, ये फीकी होती हैं तेज़ नहीं होती हैं, ठीक है। इसी से फ्लेवर आएगा क्योंकि इसमें सिर्फ काली मिर्च हमने ऐड की और हरी मिर्च, इसमें कोई और लाल मिर्च कुटी लाल मिर्च कुछ भी नहीं है। अब ये अच्छी तरह जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगी फिर हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, ठीक है। बहुत स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जा रहा हूँ, इसमें आपको परेशानी नहीं होगी, ईजी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। कढ़ाई बनाना अफगानी कढ़ाई, और जैसे उस दिन डिफरेंट कढ़ाई हमने रमज़ान में बनाई थी मैरिनेट करके, अच्छा ब्रेक जो टाइम थी वह जिस टाइम मैं इनके फ्राई किया बिल्कुल जो दही जो पानी खुश्क थो तेज तेज असं वूँ तक शॉर्ट ब्रेक, ब्रेक का पोची रेसिपी कंटिन्यू कंदी। दही का पानी जब खुश्क हो जाएगा चूल्हा बंद कर दूंगा, आगे का प्रोसेस ब्रेक के बाद आपको बताता हूँ, लेते हैं शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजीम, ब्रेक होने का पहले इन्हें जो मैं चूल्हो बंद कर छोड़ो, ये देखें ग्रेवी सी बन गई है अफगानी कढ़ाई की, ठीक है। ये थोड़ा वेजो का रिखार जो, ये देखें अफगानी कढ़ाई हमारी तैयार हो गई, दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें मोटी वाली, हाणे मैं इनमें सावा मिर्च मोटा वाला विझंदस, 8 अदद होंगे पीसेस, 4 मोटी हरी मिर्चें मैंने इसमें काट के डाल दी हैं, ठीक है। सावा मिर्च मोटा वारा इनमें विधा, इनके मिक्स कंदासीं, हाणे इनमें विझंदासीं साबित धाणा तए जे मथां सेके, इनके कुटे
साबित धनिया तवे के ऊपर सेक के एक खाने का चम्मच मोटा मोटा कूट के आपने इसमें एक खाने का चम्मच साबित धनिया डालना है। ठीक है, साबित धाणा एक खाने जो चमचो तए के मथा सेक के कुटे हिन में विझंदो। जीरो एक चाय जो चमचो तए के मथा सेक के हिन जे मथा विझंदासीं। ठीक है, साबित धनिया डेढ़ खाने का चम्मच तवे के ऊपर भून के आपने इसमें डाल देना है कूट के मोटा मोटा। सफ़ेद जीरा तवे के ऊपर भून के हल्का सा मोटा मोटा कूट के इसमें एक चाय का चम्मच डाल दिया। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं आफ्ताब बोल रहा हूँ, सेवन शरीफ से। कुछ बोलना चाहेंगे? जी आपका बहुत बहुत अच्छी तरह से शो देखते हैं। थैंक यू। कोई फरमाइश है जल्दी से बता दें, टाइम बहुत कम है। मैक्रोनी कल बना लो। चलो बेटा बनाना सिखा देंगे मैक्रोनी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। ठीक है, ये देखें हरी मिर्चें डाली, साबित धनिया भुना कुटावा एक खाने का चम्मच, जीरा भुना कुटावा एक खाने का चम्मच, साबित धाणा भुगल कुटियल एक खाने का चम्मच, जीरो भुगल कुटियल एक खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून से कम, गरम मसाला पाउडर अध चाय के चमचे का घट, अदरक जाएगी इसमें एक खाने का चम्मच पार्चों में कटिंग की हुई, अदरक विंदी एक खाने का चम्मच बारीक कटिंग कियल। ठीक है, अदरक गई बारीक कटिंग की हुई एक खाने का चम्मच, हरी मिर्चें डाल दी हैं चार अदद लंबाई में दो करके मोटी वाली, और गरम मसाला पाउडर डाल दिया। अब आखिर में डालेंगे काली मिर्च कुटी हुई हाफ टी स्पून से कम, आखिर में एक चाय का चम्मच, डेढ़ चाय का चम्मच हमने पहले डाला था, और आखिर में इसमें काली मिर्च डालेंगे, और इसको सिर्फ दो मिनट के लिए कवर करूँगा ताकि हरी मिर्चें थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। 2 मिनट कवर कंदासी सावा मिर्च थोड़ा नरम थी वन। ठीक है, पोइन के डिश आउट क्यों था। अब दूसरी तरफ क्या है हमारे पास, दाल। इसके लिए हरा धनिया लेना है, हरा धनिया वॉश करके अच्छी तरह बारीक कटिंग करके ये हमने दाल लौकी में मिला देना है, चार खाने के चम्मच सावा धाणा दाल लौकी में विझंदो मथा का, एक मिनट इनके दम ते रखंदासी, आई थोड़ो गरम मसालो पाउडर, थोड़ा सा क्वार्टर टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हल्का सा बहुत ज़्यादा नहीं, चौथा चाय का चम्मच गरम मसाला ऊपर से दम पे लगा दिया। ठीक है, कॉल बैठूँ भाई। अस्सलामुअलैकुम, नाजिया बात कर रही हूँ कंडियारो से। जी कैसे हैं? कल भी मैंने आपसे बात की थी। जी जी, कुछ कहना चाहेंगे? जी मैंने आपको कल भी कहा था कि जो मटन के फेफड़े हमें पचाने नहीं आते। छा न तो पचाने चाहिए मटन के फेफड़े। मटन जो छा? मटन के फेफड़े। फेफड़ा? जी जी। केर खाइंदो आदी मटन जा फेफड़ा? ओ दिल कलेजी हुंदी है ना फेफड़न सा गड़ो वारी? जी जी। हेलो ठीक है, बकरा ईद का पेरी तांके ठाइन सिखारंदा, ही महीनो गुजरे इंशाल्लाह। ठीक है, ओ ओके। ठीक है, वहां पे हरा धनिया डाल दिया, ये हमारी हो गई अफगानी कढ़ाई जबरदस्त किस्म की तैयार। इसको मिक्स करेंगे और इसको हम कढ़ाई में शिफ्ट करते हैं सर्विंग वाली। ठीक है, सर्विंग वाली कढ़ाई में शिफ्ट कयूं था, ॾाढी ज़बरदस्त असांजी हे मटन कढ़ाई तयार थी वई आहे, सॉरी अफ़गानी कढ़ाई। ठीकु आहे, इनखे मटन में चिकन में जीअं तव्हांखे सुठी लॻे हुन तरीक़े सां ठाहिजो, मटन में बनाए चिकन में बनाए, इहे तीन पाव है एक किलो तक आप बनाएंगी इसी तरह बनेगी। ठीक है, बीफ हो मटन हो तो वो आपकी मर्ज़ी है। बकरा ईद आ रही है तो ये रेसिपी नोट करके रखिएगा, बकरा ईद में आप इसको मटन के साथ बीफ के साथ भी बना सकती हैं और चिकन के साथ भी इसको बनाएं, चिकन के साथ भी बहुत मज़े की बनती है, ज़रूरी नहीं कि बीफ मटन ही आप करें। ठीक है, हरी मिर्चें कच्ची कच्ची सी रहनी चाहिए क्योंकि इस तरह की रेसिपीज़ में हरी मिर्चों को गलाया नहीं जाता, सावा मिर्च थोड़ा साबित हुजण खपन, यानी कलर जो आज सफ़ा कारो न कंदा क्यों, सफ़ा गारंदा ना क्यों उनके। ठीक है, थोड़ी जी कच्चियों कच्चियों हुजन, नरम नरम हुजन, इन तरीके जो इन कढ़ाई में सुठी लगनियो। ठीक है, हाँ बाकी जो मसालो है ये लाई था छूँ मथा, लेमन वगैरह इसमें नहीं डलता है अफगानी कढ़ाई में। ठीक है, लेमन जूस वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। इसका ऑयल आराम से चार अफराद खा सकते हैं। ठीक है, 4% 5% आराम से खा सकते हैं, इतनी होती है, इसमें थोड़ी कम लग रही होगी आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? पंजाब से बात कर रहे हैं भाई, रस्सी के बारे में पूछना था हमने। जी क्या पूछना चाह रहे हैं? हमने वो शनवारी के बारे में पूछना था, जलपरेजी के बारे में। शनवारी कढ़ाई? हाँ शनवारी कढ़ाई। ठीक है, ये आप बनाइएगा, फिर शनवारी कढ़ाई भी बीच में बना दूंगा किसी दिन। ठीक है भाई, चलो ठीक है, जलपरेजी के बारे में पूछना। ओके जी, थैंक यू।
शनवारी कढ़ाई भी बना देंगे। ये हो गई हमारी अफगानी कढ़ाई तैयार। इसके ऊपर बस हरी अदरक डाल दें, बस लेमन वगैरह नहीं डालता है, ठीक है। अफगानी कढ़ाई में अदरक विझी छड़ी, ये असांजी अफगानी कढ़ाई तैयार थी भाई। अब हम क्या करेंगे, इसको भी शिफ्ट करते हैं यहाँ पे। दाल लौकी बिल्कुल डिफरेंट तरीके से भुनी हुई, बहुत ही मज़ेदार। गरम मसाला पाउडर और हरा धनिया डाला था, ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो गई। अच्छी तरह इसको मिक्स करें। लौकी देखें नज़र नहीं आ रही बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल लौकी नज़र नहीं आ रही। इस तरह आपने बनाना है और ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है दाल लौकी की, इस तरह आप बनाएं आपको अच्छी लगेगी। तुरई भी सेम तरीके से, तुरई को क्या करना है बारीक बारीक छोटे छोटे, उसको कद्दूकश ना करें टूट जाती है। लौकी सख्त होती है, कद्दूकश कर ली, तुरई के लंबे लंबे स्ट्रिप्स बना के छोटे छोटे क्यूब्स बना लें, फिर वो तुरई फ़ौरन गल जाएगी। इसी तरह आप भुना ही करेंगी तो तुरई भी इसके अंदर मिक्स हो जाएगी, ठीक है। तुरी अगर विझण चाहियो था, तुरी में ठाहिण चाहियो था, या मेहा ठाहिण चाहियो था, तो उन्हें के बारीक कटिंग करे दाल से अगर ठाई सको था, ठीक है। मेहन के भी अगर आप टिंडे बनाना चाहती हैं दाल के साथ, तो टिंडे भी आप इसी तरह बारीक कटिंग करके ही डालेंगी, ठीक है। स्पून चेंज करके इसको निकाल लेते हैं। मज़ेदार हमारी दोनों रेसिपीज तैयार हो गई हैं। कल भी देखिएगा इस तरह की डिफरेंट रेसिपी होंगी, ठीक है। और एक केरी की भी रेसिपी बनाएंगे कल। लौंजी होती है केरी की, वो खट्टी मीठी सी बनती है अचार की तरह, तो वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। केरी की रेसिपीज़ हैं काफ़ी सारी, सीज़न भी आ गया, दो तीन रेसिपीज़। शरबत मैंने आपको बनाना सिखा दिया, चटनी बना दी थी, मुरब्बा बना दिया था, तो अब कल देखिएगा केरी की भी एक रेसिपी बनाएंगे, साथ ही कोई डिफरेंट सी और रेसिपी बनाएंगे, ठीक है। बिल्कुल खुश्क घट ऑयल से गड ऐं तमाम बेहतरीन जायके से गड लौकी इन तरीके से ठाईद, सब शौक से खाइंद, जो नथो भी खाए वो भी खाइंद, लगे ही नी कि इनमें लौकी पयल है, इन तरीके से ठाईद, ठीक है। लौकी बिल्कुल इसी तरीके से बनाएं, जो नहीं खाते जिनको नहीं पसंद है वो भी ट्राई करें तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। क्योंकि अक्सर क्या होता है लौकी के बड़े बड़े पीस करके हम लोग डाल देते हैं वो, या स्लाइसिस में कटिंग किया होता है, तो वो फिर समझ नहीं आ रही होती, बहुत से लोग भाग रहे होते हैं लौकी से। और लौकी खाना सुन्नत है, लौकी बहुत सारी बीमारियों से भी बचाती है, ठीक है। हार्ट पेशेंट्स के लिए, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, सबके लिए बहुत ही बेहतरीन है। लेमन का जूस थोड़ा सा डाल दें, मैंने मिक्स नहीं किया था, तो आप ऊपर से थोड़ा सा इस पर लेमन का जूस डालेंगी लौकी दाल पे, तो और अच्छा फ्लेवर निकल के आएगा, ठीक है। हल्का सा बस मिक्स करना चाहें तो मिक्स भी कर दें, मिक्स करना चाहें तो मिक्स कर सको, तो अदरवाइज ज़रूरत ना है। साओ मिर्च, छोके सावा मिर्च विटामिन सी होंद है, खाइंदा क्यों भाजीन से गड जो मानी खाइंदा तो सावा मिर्च भी गड खाइंदा क्यों, इनमें विटामिन सी होंद है, ठीक है, नुकसानदेह नहीं हुए। हरी मिर्च में विटामिन सी होती है, तो हरी मिर्च खाया करें, जब खाना खा रहे होते हैं तो एक दो हरी मिर्च ज़रूर खाया करें। हरी मिर्च से क्या होता है विटामिन सी होता है, खानी चाहिए हरी मिर्च, नुकसानदेह नहीं होती, बड़ी ज़बरदस्त लगती हैं। तेज़ वाली ना खाएँ, नॉर्मल वाली ले लें, लेकिन खाया करें हरी मिर्च, ठीक है। ये असांजी बड़ी रेसिपीज कम्प्लीट थी। अच्छा, रिपीट हमारा होगा सुबह 12 बजे, ठीक है। सुबह 12 बजे आप कॉल बैठो था। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। जी कौन हो, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं फरहाना बात कर रही हूँ, एफबी एरिया से। एफबी एरिया से कुछ कहना चाहेंगी? जी मुझे लाइव कॉल में बात करना थी। मैं फैसल बात कर रहा हूँ, लाइव में बात कर रही हैं, आप बताएं। जी मुझे, मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फरहाना बात कर रही हूँ। हाँ ठीक है, मैंने सुन लिया। टीवी से दूर होके बात करें और जल्दी जल्दी बताएं क्या कहना चाह रही हैं। ओके जी, ठीक है। कल सुबह रिपीट चलेगा 12 बजे। कुकिंग विद शेफ ऐसा मेरा पेज है, वहाँ रेसिपी अपलोड हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए सर्च करें यूट्यूब पे, चैनल बना हुआ है सिंध टीवी HD कुकिंग शो, या कुकिंग विद फैसल भी सर्च करेंगी तब भी आपको इजीली हमारा यूट्यूब चैनल की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। डेली अपलोड हो रही है, बीच में एक दो नहीं हुई थी वो भी हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम थी फनी खराबी की वजह से, लेकिन बाकी सारी डेली अपलोड हो जाती हैं शाम को 6-7 बजे के करीब, ठीक है। 03142675311 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पर कोई भी रेसिपी चाहिए होती, कुछ पूछना होता है तो वॉइस मैसेज करें या मैसेज कर दिया करें, मैं रिप्लाई कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। 03142675311। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, कल भी मज़ेदार रेसिपी के साथ मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। सुबह
बारह वगे रिपीट हलो मंझंद जो बारह का एक रिपीट टाइम है और सुबाने की रेसिपी दिसो वो भी मज़ेदार ठाईंदी अंबड़ी की भी एक रेसिपी ठाईंदी कुछ डिफरेंट कर भी ठाईंदी 0314267531 मुझे व्हाट्सअप नंबर है उनसे वॉइस मैसेज कर सोता या मैसेज कर सो तो कॉल ना कंदा कियो मैं न अटेंड कंदो आया बाकी ही है कि का भी शे खपे उते मैसेज कंदो तो तांके शेयर कर चंदासी यूट्यूब ते असो चैनल ठेल सिंध टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब ते सब्सक्राइब करो शेयर करो उनमें तमाम यूट्यूब ते सजी रेसिपीज इतने चार पांच बजे शो थींदो आ रात जो अठे का पहरी पहरी अपलोड थी वे खोड़ सारो ख्याल रखो सुभाने तासा मुलाकात थी दुआन में याद रखो अल्लाह हाफिज़। हाँ कुकिंग विद फैसल जा तमाम शो दिसो HD क्वालिटी में विजिट करियो असांजो यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD कुकिंग शो।